नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों। त्रिपुरा में आज गुरुवार को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। राज्य में त्रिकोणीय मुकाबला है, जहां सत्तारूढ़ बीजेपी को फिर से अपनी सरकार बनने की उम्मीद है, उधर सीपीएम कांग्रेस गठबंधन ने उसे कड़ी चुनौती दे दी है। लेकिन अगर त्रिशंकु सदन की स्थिति बनती है तो नई पार्टी त्रिपुरा मोथा किंगमेकर साबित हो सकती है। मतदान के दौरान साउथ त्रिपुरा में पोलिंग बूथ के बाहर झड़प की खबरें हैं, जिसमें सीपीआई समर्थक घायल हुए हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि त्रिपुरा में 11 बजे तक 32.06% मतदान हुआ है। त्रिपुरा के पूर्व सीएम मानिक सरकार ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी लोगों को वोट नहीं डालने दे रही है। कुछ जगहों से ऐसी खबरें सामने आई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मानिक सरकार ने आरोप लगाया बीजेपी की ओर से उपद्रवी परेशानी पैदा कर रहे हैं और लोगों को वोट डालने से रोक रहे हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि कुछ स्थानों पर मतदाता चुनाव आयोग से ये सुनिश्चित करने के लिए सड़कों को अवरुद्ध कर रहे थे कि वोट डालने के दौरान कोई बाधा ना हो, ये एक अच्छा संकेत है। इसी तरह से त्रिपुरा मोथा के प्रमुख प्रद्योत देव वर्मा ने कहा, हमें जानकारी मिली है कि धनपुर और मोहनपुर में सत्ताधारी दल द्वारा हिंसा की गई है। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों में आयकर विभाग के सर्वे का काम गुरुवार 16 फरवरी को भी जारी है। बीबीसी दफ्तरों पर 14 फरवरी से सर्वे का काम शुरू हुआ था। हालांकि इस दौरान बीबीसी दफ्तर की तलाशी ली गई और तमाम बीबीसी पत्रकारों के फोन कई घंटे तक जब्त रहे। बीबीसी दफ्तर में आज गुरुवार को सिर्फ अकाउंट्स विभाग के लोगों को आने दिया गया, बाकी स्टाफ घर से काम कर रहा है। पीटीआई और एनडीटीवी के मुताबिक बीबीसी दफ्तर में मंगलवार से कम 10 वरिष्ठ स्टाफ फंसे हुए हैं, जो अपने घर नहीं जा पाए हैं। आयकर अधिकारियों ने बीबीसी कर्मचारियों से वित्तीय आंकड़े मांगे और सारे दस्तावेजों की प्रतियां बनाई। बीबीसी ने कहा कि वो हमेशा की तरह अपनी खबरें प्रसारित कर रहे हैं और कई कर्मचारी घर से काम कर रहे हैं। आरएसएस की साप्ताहिक पत्रिका पांचजन्य में एक लेख लिखकर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को भारत विरोधी ताकतें टूल यानी एक औजार की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। बता दें कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को प्रतिबंधित करने के केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट पर पांचजन्य पत्रिका में लिखे लेख में ये टिप्पणी की गई है। पांचजन्य के लेख में कहा गया है कि मानवाधिकार के नाम पर आतंकवादियों को बचाने की कोशिशों, पर्यावरण के नाम पर भारत के विकास में बाधा डालने के बाद अब ये कोशिश की जा रही है कि देश विरोधी ताकतों को देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने का अधिकार भी मिलना चाहिए। लेख के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को देश हित की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन ये देश विरोधी ताकतों द्वारा अपना रास्ता साफ करने के लिए टूल की तरह इस्तेमाल हो रहा है। लेख के अनुसार सुप्रीम कोर्ट देश के करदाताओं के पैसे से, भारतीय कानून से और भारतीयों की भलाई के लिए चलता है। पांचजन्य के लेख में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को भारत को बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा बताया गया और दावा किया गया है यह गलत और काल्पनिकता पर आधारित है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बुधवार को उपराष्ट्रपति निवास में भारतीय सूचना सेवा यानी IAS के प्रशिक्षु अधिकारियों से मुलाकात की और उनसे लोकतंत्र और राष्ट्रीयता के वास्तविक रक्षक बनने को कहा। उन्होंने कहा कि हमारा देश आज तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमारे खिलाफ डॉक्टर्ड नैरेटिव चलाया जा रहा है, गलत सूचनाओं का प्रसार किया जा रहा है। ये हम पर हमला करने का एक नया तरीका है, हमें इसके खिलाफ सतर्क रहना होगा और पूरी ताकत के साथ इसे बेअसर करना होगा। धनखड़ की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई जब आयकर अधिकारियों ने बीबीसी दफ्तरों की तलाशी जारी रखी हुई है। बीबीसी पर मोदी को लेकर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री के बाद ये सर्वे किए जा रहे हैं और बीजेपी के नेता लगातार बीबीसी पर हमला बोल रहे हैं। इस बीच धनखड़ ने इराक पर अमेरिकी हमले को लेकर कहा कि पिछले एक दशक में एक वैश्विक समाचार संगठन द्वारा एक कहानी गढ़ी गई थी कि किसी के पास सामूहिक विनाश के हथियार थे और इसलिए मानवता के पक्ष में एक उचित एक्शन लेने की जरूरत है। पश्चिमी मीडिया ने बड़े पैमाने पर अमेरिकी दावे को स्वीकार किया था, जो बाद में गलत पाया गया कि सद्दाम हुसैन के इराक में सामूहिक विनाश के हथियार थे और इसका इस्तेमाल इराक पर आक्रमण को सही ठहराने के लिए किया गया था, जो कि गलत साबित हुआ। धनखड़ ने कहा कि अब जब भारत विकास कर रहा है, बढ़ रहा है, तो उसके पतन के लिए एक कहानी को आगे बढ़ाने के लिए भयावह डिजाइन है, हमें सतर्क रहना होगा। उन्होंने कहा यह आक्रमण का एक तरीका है, हमें साहसपूर्वक इसे बेअसर करना होगा। कर्नाटक भाजपा प्रमुख नलिन कुमार कतील ने साफ तौर पर टीपू सुल्तान के मानने वालों को मारने की अपील की। उन्होंने कह दिया कि टीपू सुल्तान के वंशजों को खदेड़कर जंगलों में भेज देना चाहिए।
टीपू सुल्तान को लेकर बीजेपी लगातार मुद्दा बनाती रही है और इसी वजह से इस पर विवाद भी होता रहा है। राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने 2019 में माध्यमिक स्कूलों के इतिहास की किताब से टीपू सुल्तान के पाठ को हटाने की बात की थी तो इस पर काफी विवाद हुआ था। कर्नाटक में सत्ता में आने के तुरंत बाद जुलाई में बीजेपी सरकार ने टीपू सुल्तान की जयंती समारोह को खत्म कर दिया था। अब कतील ने कहा है, मैं यहाँ के लोगों से पूछता हूँ, क्या आप भगवान हनुमान या टीपू की पूजा करते हैं? फिर क्या आप उन लोगों को जंगल भेजेंगे जो टीपू को कट्टर अनुयायी हैं? इस बारे में सोचें, क्या आपको लगता है कि इस राज्य को भगवान हनुमान भक्तों या टीपू के वंशजों की जरूरत है? मैं एक चुनौती देता हूँ, जो लोग टीपू के कट्टर अनुयायी हैं उन्हें इस उपजाऊ धरती पर जीवित नहीं रहना चाहिए। कर्नाटक में चुनाव नजदीक आता देख टीपू सुल्तान पर विवाद फिर से खड़ा किया जा रहा है ताकि राज्य में हिंदू मुसलमान के नाम पर चुनाव कराया जा सके। कल बुधवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कतील के बयान के बाद आज गुरुवार को एआईएमएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उसका जवाब दिया। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी वालों, मैं टीपू सुल्तान का नाम ले रहा हूं, बोलो मेरा क्या कर लोगे। ओवैसी ने सवाल किया है कि कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष ने टीपू सुल्तान के बारे में जो कहा है, क्या उससे पीएम मोदी सहमत है? ये हिंसा, हत्या और नरसंहार का खुला आह्वान है। क्या कर्नाटक में बीजेपी सरकार इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी? ये नफरत है। ओवैसी ने कहा कि इतिहास में जो दर्ज है, कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष उसे कैसे मिटा सकते हैं? टीपू सुल्तान की महान शख्सियत के आगे कर्नाटक बीजेपी के नेता बौने हैं, वो कहीं नहीं खड़े हो सकते। क्या वो बता सकते हैं कि टीपू सुल्तान जब अंग्रेजों से लड़ रहे थे उस समय उनके नेता या संगठन क्या कर रहे थे? मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने कुछ दिनों पहले कहा था कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आप हमारा साथ दें। इसको लेकर अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक निजी टीवी चैनल पर सवाल के जवाब में प्रतिक्रिया दी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र था, है और आगे भी रहेगा। योगी ने कहा कि हिंदू को एक मजहब के तौर पर नहीं देखना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हिंदू कोई मत मजहब संप्रदाय नहीं है, ये एक सांस्कृतिक शब्दावली है जो भारत के हर एक नागरिक के लिए फिट बैठती है। योगी आदित्यनाथ बोले, अगर भारत का कोई व्यक्ति हज करने जा रहा है तो वहाँ उसको कोई हाजी के रूप में नहीं जान रहा होता है, वहाँ उसको कोई इस्लाम के रूप में नहीं मानता है, वहाँ उसको हिंदू नाम से संबोधित किया जाता है, तब वहाँ किसी को परेशानी नहीं होती। योगी ने कहा कि अगर उस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि भारत का हर नागरिक हिंदू है, ये कोई जाति सूचक मत सूचक शब्द नहीं है। अब तक की खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।